नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एरियल न्यूज़ चैनल में। आज तारीख हो चुकी है 16 फरवरी और दिन है मंगलवार। एक ही वीडियो में बॉलीवुड की नमकीन और चटपटी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, जहां एक ही वीडियो में एक साथ आपको सारी बॉलीवुड की टॉप और ख़ास खबरें सुनने को मिलेंगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की उन बॉलीवुड की खबरों की जो लगातार सुर्खियों में रहने वाली हैं। प्रभास और एक्ट्रेस पूजा हेगड़े की फिल्म राधेश्याम का टीजर वैलेंटाइन डे के दिन जारी किया गया। टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर धमाल मच रहा है और इसे ज़बरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। टीजर में प्रभात का बेहद ही रोमांटिक अंदाज देखने को मिल रहा है। राधेश्याम के मेकर्स की तरफ से वैलेंटाइन डे पर दर्शकों को बड़ा तोहफा दिया गया है। राधेश्याम की पहली झलक दिखाई दी गई है और साथ ही फिल्म की रिलीज डेट भी सामने आ गई है। प्रभास और पूजा हेगड़े की फिल्म इस साल 30 जुलाई को बड़े पर्दे पर रिलीज होने जा रही है। फिल्म का टीजर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर गया है। फिल्म में प्रभास और पूजा हेगड़े के अलावा सचिन खेडकर, प्रियदर्शी, भाग्यश्री, मुरली शर्मा भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म में पूजा हेगड़े प्रेरणा का किरदार निभाती नजर आएंगी, जबकि प्रभा के किरदार का खुलासा नहीं किया गया है। डियर जिंदगी के बाद शाहरुख खान और आलिया भट्ट इस बार डार्लिंग्स के साथ एक मजेदार माँ बेटी की कहानी बताने के लिए एक साथ आ गए हैं, लेकिन अभिनेता इस बार एक निर्माता का पदभार संभाल रहे हैं। शाहरुख खान और आलिया भट्ट ने पहली बार गौरी शिंदे की डियर जिंदगी में साथ काम किया था, जो महत्वपूर्ण और व्यवसायिक दोनों मोर्चों पर सफल साबित हुई है। और अब शाहरुख खान बतौर एक निर्माता इस बार विचित्र माँ बेटी की कहानी डार्लिंग्स पर आलिया भट्ट के साथ पुनर्मिलन के लिए तैयार हैं। एक सूत्र के अनुसार पूरी फिल्म रेड चिलीज द्वारा विकसित की गई और कुछ समय पहले आलिया को सुनाई गई थी। एक सूत्र ने बताया उन्हें यह बेहद पसंद आई और तुरंत फिल्म के लिए हामी भर दी। डार्लिंग्स के साथ जसमीत ने रैने बतौर निर्देशक डेब्यू कर रही हैं, जिन्होंने कई फिल्मों पर एसोसिएट डायरेक्टर और चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया है और पहले कोर्स टू, पनी खान वो पति पत्नी और वो जैसी फिल्में लिखी हैं। फिल्म में आलिया की मुख्य भूमिका के साथ साथ शेफाली शाह, विजय वर्मा और रोशन मैथ्यू जैसे कलाकार शामिल हैं। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने राजद्रोह के मामले में मुंबई पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध करते हुए सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में कहा कि उन्होंने किसी भी ट्वीट से कभी कोई हिंसा की भड़क नहीं हुई और न ही उनकी वजह से कोई आपराधिक कृत्य हुआ है। अदालत इस मामले में 26 फरवरी को आगे की सुनवाई करेगी और तब तक कंगना एवं उनकी बहन रंगोली चंदेल को गिरफ्तारी से दिया गया अंतरिम संरक्षण बरकरार रहेगा। रनौत के वकील रिजवान सिद्दीकी ने न्यायमूर्ति एस शिंदे और न्यायमूर्ति मनीष पिटाले की पीठ से कहा कि अभिनेत्री ने कुछ भी गलत नहीं किया है। उन्होंने कहा, उपनगर बांद्रा में मजिस्ट्रेट की अदालत में राजद्रोह समेत अन्य आरोपों में कंगना के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति देकर गलती। सिद्दीकी ने हाई कोर्ट से निचली अदालत के आदेश और प्राथमिकी दोनों को रद्द किए जाने का अनुरोध किया। पूर्व मिस एशिया पैसिफिक और एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने सोमवार को बिजनेसमैन वैभव रेखी से शादी की। दिया के मुंबई स्थित घर में हिंदू रीति रिवाज से हुई शादी में कपल के फैमिली मेंबर्स और चुनिंदा दोस्त ही शामिल हुए। रस्में पूरी होने के बाद दिया और वैभव ने बाहर आकर मीडिया फोटोग्राफर्स को पोज दिया। इस दौरान उन्होंने पैम्पराजी को मिठाई भी बांटी। पोज देते समय जहां रिया ने लाल साड़ी पहनी थी, वहीं वैभव व्हाइट कुर्ता पैजामा और नेहरू जैकेट में नजर आए। दिया और वैभव दोनों की ही यह दूसरी शादी है। इससे पहले 2014 में दिया ने अपने बिजनेस पार्टनर साहिल सांगा से शादी की थी, जिसने 2019 में उनका सेपरेशन हो गया था। वहीं रिपोर्ट्स की माने वैभव की पहली शादी योग और लाइफस्टाइल कोच सुनैना के साथ हुई थी। दोनों की एक बेटी भी है। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की बेटी सोमवार को पूरे एक साल की हो गई। अपनी बेटी के पहले बर्थडे पर मां शिल्पा ने बेबी समीक्षा का एक बेहद क्यूट वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। ये वीडियो अब वायरल हो गया और फैंस इसे काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं। इस वीडियो के साथ शिल्पा ने एक बेहद प्यारा कैप्शन भी लिखा। शिल्पा ने लिखा, मम्मी ये शब्द जब तुम्हारे मुंह से सुना, वो भी तब जब तुम आज एक साल की हो गई हो,
मुझे लगता है मेरे लिए ये लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट है। तुम्हारा पहला दांत निकलने से लेकर पहला शब्द, पहली हंसी और पहला क्रॉल मुझे अब भी याद है। मेरे लिए सब कुछ बहुत स्पेशल है और हर दिन को सेलिब्रेट करने की वजह है। हैप्पी फर्स्ट डे हमारी एंजल। इसी के साथ बॉलीवुड की आज की खबरें यहीं समाप्त, और हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बॉलीवुड की ऐसी हिट टॉप खबरों को एक साथ एक ही वीडियो में सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।